ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Inshallah, and for a few more minutes, you can start praying the Salat al-Ishraq. Inshallah, a few more minutes, then two rakah, inshallah, then we'll continue again. Allah, wa man yudlil fala hadiya la. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Qala Allahu tabarak wa ta'ala fi kalamihi al-majid wal furqanil hamid. Ba'd a'udhu billahi. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एलएस लाइफस्टाइल में आप सबको खुश आमदीद। आज ईद का दिन है, मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हम नमाज़ पढ़ने मस्जिद आए थे, नमाज़ ख़त्म हो गई है, अब हम बाहर आ गए हैं और सब लेडीज़ एक साइड पे खड़े होकर अपने जेंट्स का इंतज़ार कर रही हैं। हम भी यहाँ खड़े थे, मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी। तो हम नमाज़ पढ़ के आ गए मस्जिद में, बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा सबके साथ ईद की नमाज़ पढ़कर। और फिर अब मैं जब घर आ गई तो मैं अपने नेबर्स के बच्चों के लिए गुडी बैग्स बना रही थी, तो मैंने उनके लिए कुछ चीज़ें ली थी, वो मैंने इन बैग्स में डाली। मैंने इन गुडी बैग्स पर बच्चों के नाम्स भी लिख लिए थे। बच्चे इन गुडी बैग्स को देखकर बहुत खुश हुए। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों को ईदी देने का। तो इस तरह मैंने उनके बैग्स तैयार कर लिए। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल की कि आज तुम ईद का जो लंच होगा हमारे यहाँ करना, तो तुम लंच की प्रिपरेशन ना करना। तो बस फिर मेरी तो डबल ईद हो गई। फिर मैंने सिर्फ नाश्ता तैयार किया अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और बच्चे सो रहे थे तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तो रात से थकी हुई हूँ तो मुझे आराम मिल जाएगा। तो फिर जो हमारे दोपहर का लंच था वो मेरी फ्रेंड के यहाँ था, तो इस तरह फिर हम दोपहर को उनके घर गए तो उन्होंने भी मेरे बच्चों को गुडी बैग्स दिए। और फिर ये लंच का टाइम था, उसने बहुत मेहनत की थी, उसने बहुत सी डिशेस बनाई थी हमारे लिए और हम सब ने मिलकर खाना खाया। बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ा आया और उसने बहुत एफर्ट की थी, मैं बहुत थैंकफुल हुई उसकी। और फिर हमने गपशप लगाई, चाय पी, उन्होंने मीठी सेवइयां भी बनाई थी, तो बहुत मज़ा आया। इसके बाद मेरी फ्रेंड ने सारे बच्चों की पिक्चर्स ली। और फिर जब हम घर आए तो हम लोगों ने अपनी पर्सनल फ़ोटो सेशन की। तो ये बहुत ही मुश्किल मरहला होता है, एक एक को पकड़कर फ़ोटो के लिए लाना पड़ता है। इसी के साथ ही अगर आपको मेरा ये ईद का छोटा सा व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।